गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय राग भैरव की स्वर लिपि का सेकंड पार्ट अर्थात उसके अंतरा के बारे में बातचीत करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया राग भैरव की स्वर लिपि का स्थाई और साथ में ये बताया कि स्वर लिपि होती क्या है। स्वर लिपि एक ऐसी लिपि जिससे किसी भी राग को, ख्याल को आप कागज पे लिख सकें, उसकी लय के साथ वो लिपि कहलाती है। इसके लिए मैंने बताया था प्राचीन समय में इस तरह की वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि आप अपना गायन वादन रिकॉर्डिंग करके रख दीजिए और आने वाली पीढ़ियां उसका फायदा उठा सके। इसलिए उन प्राचीन संगीतकारों ने स्वर लिपि को ईजाद किया, ताल के साथ और उस गीत के बोलों को लिख के दिखाया और फिर बाद में आने वाली पीढ़ी ने उन्हीं के आधार पे वो ही बंदिशें हूबहू गाकर भी दिखाई। अब इसमें ताल भी लिखी हुई है। कौन सी ताल? ये तीन ताल है। तीन ताल में 16 मात्राएं और ये नौवीं मात्रा से ये खाली होती है और ये इसका पहला सम और ये दूसरी मात्रा और ये यहाँ पे तीसरी ताली, दूसरी ताली और तीसरी ताली, ये इस ताल के सिंबल है। और ये द्रुत ख्याल मध्य लय में राग भैरव में गाया जा रहा है। इसमें कल मैंने बताया था, दोनों का साथ लिख के बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग थी वो थी अपनी नौवीं मात्रा से। इसमें थे ग म ध ध प प ध। इसमें ये बताया था कि राग भैरव में ध और रे का ख्याल रखा जाए, उनको दोनों को कोमल करना है। ग म ध ध प प ध। इसमें इसी लाइन को विशेष ध्यान दिया जाता है इसको याद करने के बाद। या इस तरफ इसके नीचे लाइन लिखी हमें रैन, यहाँ पे आई की मात्रा है इसलिए ये स्थान खाली। ये खाली क्यों? अवग्रह आएगा। ये आवाज रे की आवाज दो स्वरों को कवर कर रही है, रे ने और यहाँ पे गई और ये आएगा ई, बड़ी ई है इसलिए ये आवाज यहाँ भी कवर कर रही है इसको। दोनों यहाँ पे आई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा, इसलिए ई की आवाज प से लेकर प पर दो बार रहेगी और इस मात्रा तक चली जाएगी ताल की। रन गई अब जागो और फिर ये आएगा पहली मात्रा के नीचे, पहली मात्रा के नीचे मैं और पै। फिर दूसरी मात्रा के नीचे आएगा धै, ये धै कोमल और ये मैं पै धै पै और साथ में इन दोनों को एक कर दिया जाता है। इसका मतलब है इतना ही टाइम लगना जितना इस मात्रा में लगा इतना इन दोनों को एक साथ बोलना है। मैं पै धै पै गै मैं रे रे सा और ये सा, ये सातवीं मात्रा पे है, ये सा आठवीं मात्रा। इसमें इनको कोमल कर दिया जाता है। नीचे दो रे दो ही की लाइन लिखेंगे। रह गई अब यहाँ पे आएगा जा, जा लिखते हैं तो जा को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इसको, ये दो स्वर है इसलिए इनको अवग्रह लगाकर डबल करना पड़ेगा और यहाँ ये जा की आवाज दूसरी मात्रा तक जाएगी और इन चार स्वरों का प्रयोग किया जा रहा है। जागो, क्योंकि जा में गाते वक्त टाइम ज्यादा लगता है, जागो और ये फिर अवग्रह और यहाँ पे क्या ये दो हो जाएंगे और इनको इसके द्वारा एक किया जाएगा, आगे वाला स्थान खाली रहेगा और ये रे ये फिर गुरु मात्रा है, एक ही मात्रा, आई की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अनुस्वार की मात्रा अपने हिंदी में साहित्य में गुरु मानी जाती है, मतलब डबल मानी जाती है, बड़ी मात्राएं मानी जाती है, इसलिए इनमें समय ज्यादा लगा। स्वर तीन प्रकार के बताते थे हिंदी के, हर्ष दीर्घ प्लुत, वो उसी के आधार पर गायन वादन भी किया जाता है। तो ये गुरु मात्रा होगी इसलिए आगे वाला स्थान खाली, क्योंकि इस रे को यहां से बोलना शुरू करके यहां समाप्त किया जाएगा। इस प्या शब्द को, प्यारे है
हमने ये प्या यहाँ से रे से स्टार्ट होगा और इस रे पे समाप्त किया जाए, तब जाकर के बनेगा प्यारे। ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या करना है, नी, अगला शब्द आएगा नी सा गामा, नी सा गामा प धा सा। ये इसमें अगर यहाँ गौर किया जाए, अगर यहाँ पे रे लिख दिया जाए तो आप अब गौर से देखिए क्या नी को छोड़ के क्या बन गया, सारे गामा पा रहा नीचे। पूरी स्वर लिपि में नी लगा करके और रे को छोड़ करके सारे स्वर लिखने हैं, आरो के नीचा गामा पाधा। इसके नीचे लिखेंगे सुंदर, ऊपर अनुस्वार है इसलिए गुरु हो जाता है सुंदर। ये सुंदर यहाँ पे श्या, ये डबल हो गया इसलिए ये इनको एक करना पड़ेगा। आगे वाला स्थान अवग्रह, अर्थात ये आवाज कहाँ से पै से लेकर ध तक जाएगी, श्या मैं, और यहाँ पे श्याम पूरा होगा। सुंदर श्याम हमारे है शब्द, क्योंकि दोहे में क्या है, इसलिए ये है आ जाएगा। अब आगे वाली लाइन, आगे वाली लाइन में क्या लिखना है, ध लिख करके और इस शब्द को उल्टा लिख देना है। यहां से ये यहां पर हमने लिख दिया ध, ध लिखा और इसको क्या कर दिया, कोमल बना दिया। अब ये जो लाइन है इसको ठीक उल्टा लिख दो, याद करने का तरीका है ध सा नी ध सा नी ध, ये लिखा जाएगा ध सा नी ध। उसी को हमने वापस कर दिया, इसमें ध सा नी ध हो गया, ध सा नी ध प म ग, प म ग, यहां तक ये सारी स्वर के, ये स्वर लिखे के सारे स्वर यहां तक वापस उल्टे लिख दिए ध लिखते हुए हमने, ध लिख दिया सा नी ध प म ग, और मैं आप अपनी तरफ से लिख दीजिए क्योंकि ये गैमे से ये स्वर लिपि स्टार्ट हुई थी गैमे, और ये स्थाई गैमे पर ही समाप्त हो जाएगी। सुंदर श्याम हमारे मा, आ की मात्रा मेरे, ये गुरु है लेकिन यहाँ पे या उग्र नहीं आएगा, दू ला ये गुरु होगा इसलिए ये इस मैं तक आवाज आएगी दुला रे। अर्थात ये 5 6 7 8 मात्रा है, इसी तरह चलेगी। छठी मात्रा लगातार आखिर तक जब हम सथाई लिखे तब तक ये खाली ही रहेगी, और यहाँ पे 8ही मात्रा खाली रहेगी, पूरे नीचे अंतरा लिखेंगे तब तक। तो ये हो गया हमारा स्थाई, हो गया मतलब टेक हो गई, मुखड़ा हो गया किसी गाने का जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इसका अंतरा। अंतरा में क्या करना है, अंतरा में कोई मुश्किल काम नहीं है, जो इसकी सरगम होती है उस सरगम के में क्या होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, अपने को ये पूरा भाग पै से भर देना है, पै 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 से। अगला स्वर सप्तक में क्या होता है, सा रे गा मा पा, पा से अगला क्या आएगा धा, तो 2 बार धा स्वर लिखिए धा धा, इसको कोमल कर दिए, और धा से अगला क्या होता है नी, नी, ये हो जाएंगे दोनों, तो क्या हो गए धा धा नी नी, ये दोनों स्वर कवर हो जाएंगे इसमें, कि ये पा जो सप्तक होती है उसमें पा पा पा, फिर उससे अगला होते हैं दोनों धा धा, फिर नी नी, और फिर नी से अगला क्या होता है सा रे गा मा पा धा नी सा। सा कौन सा तार सप्तक है, इसलिए यहाँ पे आजिए इसमें 4 बार सा 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 सा, और ये सा ऊपर के ऊपर अनुस्वार। अब ये लाइनें लिखनी है अपना अंतरा, भोर भई भय के साथ ओ की मात्रा गुरु हो गई इसलिए आगे वाला खाली, भो रे फिर भय भई, ये आ गई इसलिए गुरु मात्रा हो गई इसलिए ये खाली, भोर भई शा, ये दोनों हो गए इसलिए आगे वाला फिर खाली, भोर भई शा मा, या माँ इसलिए आगे खाली, चटकारे च ट, और ये आएगा नी।
और सा। ये बोर्ड की जगह कम होने की वजह से किया गया है। नी सा सा ये अनुस्वार ऊपर, ये तार सप्तक चट का, यही वही बात आ गई कि ये वाली छठी मात्रा खाली रही का, ये खाली रे। यहाँ देखिए प्यारे दुलारे में लारे, तो यहाँ का रे और ये आगे वाला रे। ये हो गई इसकी लाइन कौन सी। इसमें हमने चार बार पै 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 लिखा, पै से अगला सप्तक में क्या आता है धा, दो बार धा धा लिखा, धा से अगला क्या होता है नी, पा धा नी नी सा 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 चारों ना, फिर चारों सा फिर नी करके फिर इसमें सा सा सा, ये तार सप्तक के साथ। तो कहाँ तक आ गए हम आ गए चटकारी करके। अब आगे वाली लाइन में कुछ मुश्किल नहीं है, अब हमें यहाँ से लिखना है। इसमें क्या करना है, ये वाला विभाग जो ये विभाग है इसको एज इट इज उठा करके हम यहाँ लिख देंगे, जहां से स्टार्ट करेंगे क्या लिखेंगे नी सा गा, हो गया। साथ में इसमें इसको छोड़ के सब के ऊपर ये तार सप्तक के स्वर है, ये भाग उठाया हमने और यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है जो ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट इसके जो स्वर है ये वाले स्वर, इन्हीं स्वर को उठा के यहाँ लिख देते हैं रे रे सा सा। इनको कोमल करेंगे और इनको तार सप्तक का बना देंगे सभी स्वर। ये स्वर लिपि को कागज पर उतारने का मेथड है, लेकिन गाने की प्रैक्टिकली बात करें तो इसमें काफी समय लगता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये स्वर लिपि तैयार होती है। तो ये मैंने कागज पर उतारने का तरीका बताया और इसको याद करने का तरीका बताया। आपको याद ये लाइन पूरी करने के लिए, गय मैं धय धय पै पै धय मैं पै धय पै गय मैं रे रे सा सा। इसमें रेशा भी लगाते हैं क्योंकि नीचे अवग्रह है, तो आप चाहें तो स्थान को खाली भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अवग्रह है और यहाँ पर यही स्वर है और यहाँ पर भी यही स्वर है, इसको आप डैश लगा भी सकते हैं अलाप के रूप में, चाहे तो लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर भी डैश लगा सकते हैं। इसलिए ये पार्ट्स कहाँ से लेके आए, ये वाला पार्ट्स उठा के हमने ये सारा एस टी नी सा गामा, नी सा गामा यहाँ रख दिए गए, नी को छोड़ करके सा गा मा इनको तार सप्तक का बना दिया गया हमने। तार सप्तक क्या हो गए, और ये पार्ट्स कहाँ से लाए, ये पार्ट्स ये वाला पार्ट्स उठा के यहाँ एस टी रख दिया गया। अब आगे क्या करना है, आगे वाले में इसमें इस पार्ट में ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ रात दिख रहा है, इसके बीच में हमने नी डाल देना है। इसके बीच में क्या डालना है, नी लिखना है, नी लिख के और फिर इसको लिख देते हैं जहां तक जाता है, क्या लिखेंगे ध नी ध नी सा नी ध नी सा नी, ये हो गया धैनी सानी। इसमें ये सा एसटी धैनी सानी धै पै, आगे लिख दीजिए साथ में उसको, लेकिन तेजता से लिखिए धै पै मैं और गए। ये स्वर पूरे हो गए, पहले स्वर लिख लेने चाहिए, उसके बाद इसके जो दोहे की लाइन है इनको नीचे एडजस्ट करना चाहिए। अब ये पूरी स्वर लिखने तैयार हो, लेकिन ध्यान रखें इसको लिखने के बाद इसको सभी को चेक करें इसमें ध और रे कोमल है या नहीं है। यहाँ पे ध है ये कोमल है, ये ध कोमल है, यहाँ पे ये ध जो नीचे आर चंद्र लगा इससे ऊपर पहले ध कोमल होना चाहिए, दोनों रे कोमल है, नीचा गामा पादा नीचे रे ध कोमल है और ये ध भी कोमल है, ये ध भी कोमल है और फिर उसके बाद ये दोनों ध कोमल है और इसमें ये दोनों रे कोमल किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे धै ये भी कोमल धै शानी धै, ये बात समझ में आ जाएगी आपको आराम से कि जो हमने यहाँ पर धै लिखा इस धै के साथ, जो हमने यहाँ पर ये धै लिखा इसके साथ धै के बीच में नी डाल दिया गया हमने, धैनी सानी धै पै मैं गए धैनी सानी धै पै मैं गए। और क्या करेंगे अब इसके नीचे जो दोहे की लाइनें हैं वो लिख दी जाएंगी कौन सी, ये चंद्रमलीन, इसके नीचे लिख देंगे चंद्रमलीन भयो और उतारे, इसमें च ऊपर बिंदु तो आगे वाला खाली, चंद्र
मलीन चंद्र मलीन, फिर भयो भयो, यहाँ गुरु है लेकिन यहाँ गए, यहाँ से दूसरा ये भाग शुरू हो जाता है, इसलिए चंद्र मलिन भयो अरु सब, यहाँ पर ता, फिर वही खाली और रे, और फिर ये अवग्रह, इसको अवग्रह कहा जाता है। आ की आवाज होती है, बढ़ाते वक्त प्रयोग किया जाता है। तो ये अपनी स्वर लिपि पूरी तरह से तैयार होगी। इस स्वर लिपि को इसलिए मैंने आज इसको दूसरा इसी को साथ लिखते हुए समझाया गया था कि इसको समझने में कोई परेशानी ना आए। और ये अगर ये पहले वाली लाइन आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ग म ध द प प ध म म प ध प ग म रे शा, फिर यहां से नी लगा करके और रे को छोड़ करके नी लिख दिया और रे चॉइस में लिख दिया जाए तो पूरी सप्तकिया बन जाती है। देखो सारे गामा पा धा नी सा आरो बन जाता है, इसलिए रे नहीं है, रे को छोड़ के पूरा लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दया लिख करके दया लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे दया लिखा, जो इसका इस राग का वादी स्वर दया लिखा, और इसको सारे को उल्टा लिख देते हैं, सानी ध प म ग, और ये म, क्योंकि ग म और यहाँ पे म ग, ये ग से ग स्वर से स्टार्ट हुई थी स्वर लिपि, ग स्वर से स्टार्ट हुई थी और ग स्वर पे समाप्त कर दी गई, न्यास का स्वर ठहरा गया यहाँ पे समाप्त। ये हुई आज की भैरव राग की स्वर लिपि। आप इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, जब भी दिल में आए इसको आप चेक कीजिए, इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।